भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जेल से बाहर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनके साथ इसी मामले में बंद उनके दो अन्य सहयोगियों को रिहा नहीं किया जाएगा, वो जमानत पर बाहर नहीं आएंगे। विरोध में वह जेल में धरने पर बैठ गए। बाद में जेल कर्मियों के समझाने बुझाने के बाद जेल से बाहर आने पर राजी हुए। चंद्रशेखर आजाद का जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। बता दें कि दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में रविदास मंदिर के विध्वंस के खिलाफ 21 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोप में उनके साथ ही 96 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दो महीने बाद अदालत ने चंद्रशेखर आजाद को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि वह कोर्ट की इजाजत के बगैर देश छोड़कर नहीं जाएंगे, साथ ही वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 96 लोगों में से 94 लोगों को जमानत मिल चुकी है। चंद्रशेखर आजाद के बाकी दो साथी अभी भी जेल में बंद है। उनकी रिहाई के लिए वो जेल में धरने पर बैठ गए थे। चंद्रशेखर को इससे पहले भी काफी दिन जेल में बिताने पड़े थे। मई 2017 में सहारनपुर के शब्बीरपुर में जाति हिंसा भड़काने के बाद चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर जेल में बंद कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को जमानत भी दे दी थी, लेकिन सहारनपुर डीएम की अनुशंसा पर उनके खिलाफ रासुका लगने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई थी। कुछ दिनों बाद किसी बखेड़े से बचने के लिए उन्हें रात 2:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया था।